justice. Save our family. Save our houseboat. Phone pa mat wala ji. We want justice. We want justice. Hamari mange. Puri karo. Save our family. Save our houseboat. Save our family. Save our houseboat. Save our family. Save our houseboat. We want justice. We want justice. Hamara saath. Justice. Hamara saath. Insaaf. Justice. We want justice. We want justice. Hamara saath. Insaaf. फरगाड़ू है तो प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2008 में हमारे हाउस बोटों को डीरजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से कुछ लोगों को रिहैबिलिटेट उन्होंने किया, बाकी लोगों को नहीं किया। तब से आज तक हम लोग दफ्तर के ठोकरे ठोकरे खाकर यहाँ पे मजबूर हो गए आने के लिए। क्यों हम लोग जाते हैं उनके पास, वो लोग बोलते आज एचएलसी मीटिंग बुलाएंगे, कल एचएलसी मीटिंग मीटिंग उन्होंने बुलाया भी है, ऑर्डर भी किया, आज तक हमको रिहैबिलिटेट नहीं किया है उन्होंने। अब बर्फ का सीजन आने वाला है, जितने भी ये हाउस बोट से सारे डूब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक उनपे कोई पैसा नहीं लगाया हाउस बोट मालिकानों ने, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया, उसके बदौलत आज तक गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। जबकि हम लोग डीसी साहब के पास भी गए, डीवकाम साहब के पास भी गए, उन्होंने बोला यही कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऑर्डर भी उन्होंने निकाला, हमारे पास ऑर्डर भी है, वो ऑर्डर जो उन्होंने किया इनको रिहैबिलिटेट करो, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और ये जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अगर हाईकोर्ट ऑर्डर निकालते हैं वो खाली पब्लिक पे आई होता है कि उनको अपने ऊपर भी करना है, उनको अपने ऊपर भी करने से वो लोग क्या पीछे रहते हैं। जिन लोगों को उन्होंने रिहैबिलिटेट किया, कंपनसेशन 1,20,000 रुपया था, उसके बाद हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट को गए, उन्होंने बोला हमको नहीं देने, एसडी को देने, एसडी को गए, वो लोग बोलते फ्लड एंड इरीगेशन वाले देंगे, फ्लड एंड इरीगेशन वालों को हम लोग गए, बोला डीसी साहब देंगे, डीसी साहब ने बोला ये दूसरे को हम लोग को नहीं देना है, आज तक उनको वो मिला नहीं। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर है ये लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसके बदौलत हम यहाँ पे आपके वजह से सारी ये डिमांड है कि हम लोगों को रिहैबिलिटेट करें, हम लोग रहने नहीं चाहते क्योंकि हाउस बोटों का खस्ता हालत हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ने आज तक हमारे साथ कोई ताउन नहीं पेश किया है। इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई हम लोगों को रिहैबिलिटेट करिए, हमारे फैमिली को बचाइए, बर्फ गिरने वाला है। आप लोगों को भी पता होगा, अभी जाइए बिलाल मस्जिद के पास, एक हाउस बोट डूब गया, यह हाउस बोट भी डूबने वाले, और एक माँ हमारी 85 वर्ष की थी, वो पानी में गिर के उसका मौत हो गया। तो कितनी